हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटीपी के कुछ पीवाईक्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में पीवाईक्यू काफी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं, बस पीवाईक्यू ही कर लेते हैं समझकर, तो आपका सीटीपी में 30 में 28 या 30 पक्का नंबर है। 28 तो आना ही आना है। दो क्वेश्चन वो हट कर दे सकते हैं लीग से, लेकिन 28 तो आपका पक्का। इसलिए काफी कम समय में अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज यूनिडाइमेंशनल। इस चीज को ध्यान रखना है कि यूनि देखकर कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पढ़कर जाते हैं और वहां पर यूनिडाइमेंशनल लिखा होता है, तो आप मल्टी डायमेंशनल पढ़कर जाएंगे और यूनि देखकर ऐसा ना हो कि आप टिक कर दें। इसलिए याद रखना है कि यूनि देखकर काटना है। जहां भी यूनि दिख जाए तो उसको काट देना है, मल्टी देखकर टिक करना है। ये क्या है हमारा, मल्टी मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल। ये यूनि डायरेक्शनल दिया है तो ये हमारा गलत होगा। सही क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल। ये होगा हमारा मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल। याद रखना, ये मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल होता है, यूनि नहीं। यूनि देख के काट देना है। टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड। जेनेटिकली मतलब जो हमें जीन से मिला, जो हेरिडिटी से मिला। और हमको एक चीज याद रखना है कि डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये एक क्वेश्चन आपका पक्का है। इस एक बात से आपको एक नंबर पक्का आना है। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपका एक नंबर पक्का करता है। तो इस बात को खूब अच्छे से याद रखिए कि डेवलपमेंट क्या है हमारा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल है। तो यूनिडायमेंशनल गलत, यूनिडायरेक्शनल गलत, टोटली जेनेटिकली प्रीप्रोग्राम्ड गलत। तो हमारा सही क्या हो गया, मोडिफिएबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, हेरिडिटी। क्या है जो हमें हेरिडिटी से मिलता है, हेरिडिटी से मिलने का मतलब, जेनेटिक मिलने का मतलब जन्म के समय ही हमारे माता पिता से जो हमें मिल जाता है जन्म के समय ही, उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बाद में चेंज किया जा सकता है वो इन्वायरमेंट से, लेकिन जो जन्म के समय मिल गया वो हो गया, जो हमारे जीन से मिला वो हो गया हमारा जेनेटिक। तो चॉइस ऑफ फ्रेंड क्या हमें जन्म से मिल जाते हैं, एकेडमिक सक्सेस क्या जन्म से, आपको बाद में आप किसी भी माता पिता से जन्म लीजिए, आपको बाद में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, पढ़ने लिखने के लिए दिया नहीं गया, तो क्या आप एकेडमिक सक्सेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इंटरेस्ट इन स्टडीज, आपको किस ने क्या स्टडीज में क्या इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, ये भी आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। लेकिन आंखों का जो रंग है वो आपको जन्म के समय ही मिल जाएगा, जो आपके माता पिता से मिलेगा, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे इंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। इसमें दो बातें हैं, एक बात आपको अच्छे से, दो बातें हैं और ये दो बातें जो है इसका मतलब एक नंबर पक्का है। आप दो बात याद रखिए, इससे आपका सीडीपी का एक नंबर पक्का है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे एक एक नंबर पक्का करके आपको 30 में 28 या 30 में 30 लेके आना है। इसमें दो बातें क्या याद रखनी है, दो तरह के सोशलाइजेशन होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। और प्राइमरी जो होता है उसमें फैमिली आता है, और सेकेंडरी जो होता है उसमें स्कूल आता है। और हर बार सीटेट में क्या होगा, पूछेगा कि फैमिली क्या है और स्कूल क्या है। अगर फैमिली के साथ फ्रेंड दे या नेबरहुड दे तो भी वो प्राइमरी, स्कूल के साथ फ्रेंड दे या नेबरहुड दे तो भी वो सेकेंडरी। जहाँ मिले स्कूल तो वो सेकेंडरी के साथ जाना है, जहाँ मिले फैमिली तो वो प्राइमरी के साथ जाना। और ये एक नंबर का पक्का क्वेश्चन, तो ये याद रखना है कि जहाँ मिला स्कूल वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन और एक नंबर पक्का। कोलबर्ग थ्योरी, इन पियाजे कोलबर्ग वाइगोस्की, तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं और यही तीनों इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए।
बाकी और कोई नहीं, ठीक है, पियाजे, कोलबर्ग और बाइगोत्स्की, इन तीनों को अच्छे से समझ लेना, इसके थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है सी टेट के लिए। दूसरे एग्जाम के लिए तो और भी है, लेकिन सी टेट में बस पियाजे, कोलबर्ग, बाइगोत्स्की को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो कोलबर्ग, कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग के जो मॉरल डेवलपमेंट है उसमें क्या है, तीन लेवल है, तीन लेवल है और छह स्टेज है, ठीक है। ये क्या है, ये कन्वेंशनल है, ये प्री, प्री मतलब होता है पहले, कन्वेंशन से पहले, और ये पोस्ट, ठीक है। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, कन्वेंशन मतलब परंपरा, परंपरा के साथ चलिए तो कन्वेंशनल, परंपरा जहां तक आप नहीं समझ पा रहे, परंपरा के पहले की स्टेज में है तो प्री कन्वेंशनल, आप परंपरा से भी ऊपर उठ गए तो पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और इस तीन के भी दो दो स्टेज होते हैं, तो हमसे पूछा क्या है, थर्ड स्टेज लेवल टू, ये है हमारा लेवल टू, ये है लेवल वन और ये है लेवल थ्री। तो लेवल टू पूछा है और थर्ड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और ये हमारा थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज हमारा क्या होता है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के तीन स्टेज है, सॉरी तीन लेवल है और तीनों लेवल के दो दो स्टेज है, तो टोटल छह स्टेज है और तीन लेवल है। इसको याद रखना है कि किस स्टेज में, किस लेवल में कौन कौन से दो स्टेज है, ठीक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है जो पक्का है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका आंसर हर यूट्यूब चैनल पे गलत बताया गया है, और ये भी मेरा भी ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत हुआ था, जिसके कारण मेरे 28 मार्क्स ही आए हैं। और ये आप सारे यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, आपको एकोमोडेशन का डिफिनेशन गलत बताया जाएगा। लेकिन जब ये मेरा गलत हुआ तो मैंने काफी सारे बुक में देखा, बुक से अच्छे से एकोमोडेशन को समझा, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एकोमोडेशन। क्या होता है कि जब हम एनवायरनमेंट में कोई नया चीज देखते हैं और उसको हम, वो हमारे स्कीमा में नहीं समझ में आता है, हमें एक नया स्कीमा बनाना पड़ता है। जब भी नया स्कीमा बनाना पड़ता है तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन। ये जब आप बुक से अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब भी नया स्कीमा बनता है तो वो होता है एकोमोडेशन। लेकिन जब भी आप बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें ये क्लियर समझाया गया है, जो पहले मैंने भी समझा था, अब मैंने सही जाना, कि जब तक मॉडिफाइंग की बात नहीं आ जाए, जब तक चेंज एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करने की बात नहीं आ जाए, जब तक उसको मॉडिफाई करने की बात नहीं आ जाए, तब तक आप एकोमोडेशन के साथ नहीं जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इसको सारे यूट्यूब वालों ने इसको जो है ऐसा कर दिया है कि लोगों को कंफ्यूजन हो। एकोमोडेशन वो नहीं होता है, एकोमोडेशन होता है जब आप नए एनवायरनमेंट के चीज को नहीं समझ पा रहे हो और नया स्कीमा बनाया जा रहा है, तो वो होता है हमारा एकोमोडेशन, ठीक है। जब भी हम एनवायरनमेंट में कोई चीज देखते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में उसका स्कीमा बनता है, और जब कुछ ऐसा नया चीज देखते हैं जो हमारे दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पा रहा और हमें नया स्कीमा बना पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो आपका गलत होगा। और अब मैंने इसे अच्छे से समझा, इसलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, डैश इज ए कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज। ये तो सबसे पहले जब आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाएगा कि जब भी आप एनवायरनमेंट में कोई चीज देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है, उसका स्कीमा बनता है। जब कोई छोटा बच्चा है वो नया कुछ भी देखता है, चाहे वो बकरी देखा, कुत्ता देखा या कुछ भी देखा, उस टेबल चेयर कुछ भी देखा, तो उसका क्या हुआ, उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। और जब भी वो कुछ ऐसा चीज देखा
जो उसके दिमाग के स्कीमा में फिट नहीं हो रहा है और वो एक नया स्कीमा बना रहा है, तो वो क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ। ठीक है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपका गलत ना हो। रश्मि यूजेज ए वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर्स इन हर क्लास एंड ऑफन मेक्स ग्रुप टू फैसिलिटेट पीयर लर्निंग। देखिए, जब भी पीयर लर्निंग की बात आए, जब भी ग्रुप में बैठा के लर्निंग की बात आए, तो हम किसके साथ जाते हैं, तो हम जाते हैं लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया इन्होंने। इनका जो थ्योरी है वो हमेशा समाज के साथ चलेगा, ये हमेशा ग्रुप की बात करेंगे, ये हमेशा पीयर की बात करेंगे। ये कहते हैं कि आदमी समूह में ज्यादा सीखता है, जब आदमी ग्रुप में सीखता है तो ज्यादा सीखता है। जब बात पियाजे की होती है तो क्वेश्चन का आंसर पियाजे या वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शंस बदल जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पियाजे हो तो ऑप्शन होता है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली सीखता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पियाजे की जगह वाइगोत्स्की हो तो आपका ऑप्शन होता है कि वो ग्रुप में सीखता है। इसलिए क्वेश्चन में ये भी देखना है कि क्या किसके अनुसार पूछ रहा है, उससे भी हमारा ऑप्शन चेंज होता है। ठीक है, तो जहां भी बात वाइगोत्स्की की आए, वाइगोत्स्की हमेशा ग्रुप में सीखने की बात करते हैं और सोशल लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, पीयर लर्निंग सोशल लर्निंग जहां भी हो जाए वो हमारा लेव वाइगोत्स्की होता है। सिगमंड फ्रायड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, कोलबर्ग का तो मॉरल डेवलपमेंट है, ये लर्निंग थ्योरी इनकी नहीं है। बी एफ स्किनर जो है, स्किनर वो रीइन्फोर्समेंट की बात करते हैं, सोशल लर्निंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग की बात कौन करते हैं, बायोगॉस की, जो ग्रुप में सीखने की बात करते हैं और पीयर में सीखने की बात करते हैं, साथ ही समूह में सीखने की बात करते हैं। बायोगॉस की का मानना है कि बच्चे समूह में ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, ये एक बात याद रखना है कि बायोगोत्स्की का मानना है कि बच्चे साथ ही समूह में ज्यादा सीखते हैं, और ये एक बात आपको एक नंबर दिला देगा। ठीक है, अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, पर फिर से समझाती हूँ कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग ये यहाँ तक ये आपके खुद से कर पाने की क्षमता है, यहाँ तक आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं। तो और ये जो जहाँ तक आप खुद कर सकते हैं और जहाँ तक आप किसी के सपोर्ट से कर सकते हैं, इसके ऊपर आप सपोर्ट से भी नहीं जा सकते। इस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं ZPD, और इस सपोर्ट को क्या कहते हैं, स्कैप होल्डिंग। शॉर्ट में याद रखना है, स्कैप होल्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट। बच्चा नहीं समझ पा रहा है, टीचर उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट देके समझा रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, उसका शुरू का एक दो लाइन बना के दे रहा है, तो वो स्कैप होल्डिंग है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, स्कैप होल्डिंग नहीं है, स्कैप होल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो मॉडलिंग स्किल्स ऑफ इमिटेशन है, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज, जब आप थोड़ा सा किसी चीज के लिए ये देते हैं ना कि अच्छा चलो तुमको थोड़ा सा ये दे रहे हैं इधर से, ऐसे कुछ कुछ आप उसको क्यों दे रहे हैं, तो वो सही होता है। पीयर ट्यूटरिंग भी एक पॉजिटिव चीज है, इससे भी स्कैप होल्डिंग मिलता है, इससे भी स्कैप होल्डिंग मिलता है। आप उसको थोड़ा थोड़ा इशारा दे रहे हैं, कुछ कुछ उसको संकेत दे रहे हैं, तो वो समझेगा। लेकिन रोट मेमोराइजेशन एक बहुत ही निगेटिव चीज है, ये जहां भी आ जाए इसको गलत ही मानना है। रट्टा मारना मतलब गलत आंसर। ठीक है, जहां भी रट्टा मारने की बात आ जाए वो आपका सही नहीं होगा, और गलत आंसर मतलब यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट तो यही हमारा आंसर होगा। रोट मेमोराइजेशन को कभी बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, वो हमेशा एक निगेटिव चीज है। आप बच्चे को सिखाइए कि उसको कि भाई देखो ऐसे ऐसे कुछ, आप उसको करके दिखाइए, फिर वो आपको देख के उस तरह से कर रहा है तो क्या हुआ, स्कैप होल्डिंग हुआ ना। पहले आपने उसे करके दिखाया, फिर वो आपको देख कर रहा है, तो वो क्या हुआ, स्कैप होल्डिंग हो गया। ठीक है, लेकिन रट्टा मारना बहुत गलत बात है, इसको हमेशा रट्टा मारने को हमेशा ही काट देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन टू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? संरचनावाद, संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसको पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये तीनों जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, संरचनावाद को फॉलो करते हैं इसलिए। और हमारा एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो करते हैं। तो ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या होता है, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को किसी के साथ कंस्ट्रक्ट करता है, या तो टीचर के साथ या अपने पियर ग्रुप के साथ या समाज में रह के, दोनों ही कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन अंतर क्या है कि पियाजे कहते हैं कि खुद कंस्ट्रक्ट करता है और वाइगोत्स्की कहते हैं कि वो किसी समूह में करता है, लेकिन दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है। अब कह रहा है कि नॉट, नॉट पर जरूर ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर क्लासरूम है, ऐसा क्लासरूम है जहाँ बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो उसमें कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये एक पॉजिटिव चीज है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव में बच्चा सोचे, ठीक है, आप इनकरेज करिए इस चीज को कि वो हर पर्सपेक्टिव में सोचे, ये एक पॉजिटिव चीज है। ग्रुप कोलैबोरेशन, इसको वाइगोत्स्की हमेशा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा ग्रुप में ज्यादा सीखेगा। एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा, लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल एक तरह का रट्टा मारना ही है और ये ऑप्शन गलत है। गलत है तो नॉट पूछ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर है, ड्रिल एंड रिकॉल बिल्कुल नहीं कराना है बच्चे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in term of several distinct set of processing operations? तो आपने पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस जो है उसको सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में किसने डिफाइन किया, तो ये है हमारा हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था, पहले क्या बताया गया था कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक जनरल और एक स्पेशल, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा, बुद्धि बहुत तरह की। उस पहले जो थ्योरी चली आ रही थी ना कि बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल, उसको हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया, नहीं माना कि नहीं, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा नहीं, बुद्धि दो प्रकार की नहीं होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, सेवरल, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, ठीक है। तो बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा, बुद्धि बहुत तरह की होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस 7 या 8 प्रकार के इंटेलिजेंस उन्होंने बताए, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि बहुत तरह की होती है, ठीक है। आज इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट कल आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लासरूम में कुछ आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, बाय।